नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेपर देव और आपके लिए आज कुछ खास खास लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि कुछ खास लेके आया हूँ, तो ये है सोनी के हेडफोन्स है जो मैंने अभी परचेस किए थे अमेजोन से, वो रिपब्लिक सेल था उस टाइम पे। तो चलिए आज इसको अनबॉक्स करते हैं। आपके सामने मैं इसको खोलूंगा और इसका क्विक रिव्यू अनबॉक्सिंग सब दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं खोल के पहले बता दूँ, तो मैं उससे सोनी का ये यूज़ कर रहा था। ये आप देख सकते हो, जो ये सोनी का XB450 है, तो इसकी हालत कुछ ख़राब हो चुकी थी। वैसे स्पीकर्स बहुत अच्छे थे, तो अभी मैंने सोनी के 450 मंगाए हैं, सोनी XB450। तो ये कटर निकाला, यहाँ से मैंने कट किया। वैसे अब पैकेजिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे अमेजोन ने लिखा है रेड डिस पैकेजिंग है 30 सेंट। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं ये पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, चलता है, क्योंकि मैंने जो रिव्यूज़ देखे वहाँ पे ऐसा नहीं आता था। मतलब रिव्यू पैकेजिंग ऐसा नहीं था, अच्छा था, वो कार्डबोर्ड बॉक्स वाला आ रहा था। चलिए इसको रखते हैं साइड में। अब मैं निकलता हूँ बॉक्स। तो ओके, वैसे बहुत अच्छा है पैकेज तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ बिल है, तो ऐसा दिक्कत बहुत बड़ा बिल है, मैं साइड को रखता हूँ इसको भी और ये सब साइड में। तो आप देख सकते हो कि सोनी के, आप देख सकते हो सोनी के XP, ये हेडफोन मैं साइड में रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो सोनी के MDR-XB450 है। तो फिजिकल इसको देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो ऊपर तो वैसे ये पॉलीथीन लगा के लिखा है आपने, बाद में यहाँ पे ब्लू कलर मैंने मंगाया था, यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा बास। इसमें दोस्तों 30 mm के ड्राइवर्स है दोनों बाजू, और ये वायरलेस नहीं, मतलब वायर्ड हेडफोन्स है, वायरलेस नहीं है। ऊपर कुछ नहीं है, पीछे उसके सब स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं और मोस्ट ऑफ सब चाइनीज़ है, तो मुझे चाइनीज़ रीड करना नहीं आता। यहाँ पे कुछ प्राइसिंग और वो लिखा होगा, और ये 3.5 mm का हेडफोन जगह यहाँ पे लिखा है 30 mm और ये हो जाएगा 30 mm ड्राइवर्स है, और ये कुछ ऐसा शो आएगा। नीचे की तरफ कुछ चाइनीज़ में है, साइड में एक्स्ट्रा बास है, यहाँ पे भी 1 unit लिखा है, XB450 लिखा है, और यहाँ पे प्राइस लिखी है इसकी 2190। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये रिपब्लिक सेल में मुझे 1499 आज ही डिलीवरी हुआ है, 1499 rupees का मिला था। और ये अगर आप ऐसे ही लेने जाओ तो 1799 में मिलता है, ठीक है। तो मैं ये सोच कि अगर आपको ये लेना हो तो सेल का रहा देखिए और आ जाएगा। चले तो फटाफट इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से, यहाँ से ये मैं तोड़ता हूँ यहाँ से। तो ये कुछ भी टमाटर ले लेता हूँ फिर से, और यहाँ से कट मारता हूँ, ठीक है, कट मार दिया। तो सही ओपन हो, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है ये तोड़ना, तो मैं तोड़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसने 1 year की वारंटी भी लिखी है, आप देख सकते हो दिखा रहा है। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में ये सब कुछ, और खोलते हैं बॉक्स को। तो यहाँ से ये, तो मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हियर कम्स द ट्रूथ सोनी के फोन्स, देखते हैं निकाल के। ओके, पैकेजिंग अच्छा है बॉक्स का, ये मैं बॉक्स साइड में रख रहा हूँ। तो बॉक्स का देख लेते हैं, तो पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स दिख रहा है अभी तो, ठीक है। तो ये कटर में मैं साइड में रखता हूँ। तो यहाँ से ओपन होता है, आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है ये। अब मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, तो वाव काफ़ी अच्छा फिनिशिंग और सब दिया है, तो आप देख सकते हो। वैसे सॉरी हेडफोन गिर गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको रखता हूँ अंदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड और वो सब दिया है, ये सोनी के हेडफोन्स है और वो। तो ये जनरली कोई यूज नहीं करा, तो मैं भी नहीं करने वाला, रख देता हूँ साइड में। यहाँ पे कुशनिंग दिया है, तो ये जो है वो शाइनिंग फिश है, इसके लिए बचाने के लिए ये दिया है। तो अभी मैं निकलता हूँ हेडफोन को, तो ये कुछ ऐसे निकलेगा। और यहाँ पे कवरिंग में दिया हुआ है, तो हम रखते हैं इसको साइड में। दूसरा कुछ क्या आता है मैं बता देता हूँ। तो बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं है, खाली है। तो अभी मैं इसको बंद करके रख देता हूँ वापस, और ये इसकी निकाल देता हूँ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन तो काफ़ी बढ़िया है, कटर से काट देता हूँ इसको। ओके, तो ओके ये हो गया, कट हो गया। अब देखते हैं फ़ोन की क्वालिटी, मतलब हेडफोन। तो दोस्तों टेंगल फ्री वायर दिया है इसमें आपको, और ये बड़ा भी वायर देखते हो यहाँ पे लॉक किया हुआ है,
तो अभी मैं इसको बाहर रखता हूँ बॉक्स को भी साइड में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोनी का ये प्लास्टिक बिल्ड है कम्प्लीट। यहाँ पे अंदर कुशनिंग दिया हुआ है अंदर से, और ये हेड भी एडजस्टेबल है, ऐसे आप कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है MDR-XB450, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे माइक का ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट का दिया हुआ है। तो चले दोस्तों, इसको मैं अभी कान पे लगाता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ कि रिव्यू इसका कैसा है। तो दोस्तों, मैंने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको अंदर जाके तो फील नहीं करा सकता ये कैसा लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको मिड रेंज में चाहिए कोई भी हेडफोन्स तो मेरे तरफ से ये बेस्ट हेडफोन है, ठीक है। ये आप वायरलेस में अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करो और ये ले लो सोनी के जो MDR-XB450 है। ये इसकी जो आवाज़ है, ठीक है, ये यहाँ पे जैसा लिखा है एक्स्ट्रा बास, आप देख सकते हो। तो दोस्तों बेस्ट इन क्लास एक्स्ट्रा बास, मतलब कि आप धम धम होगा आपके कान में। मैंने अभी ट्राई करा, अगर आपको फील करना हो तो आप ज़रूर से ट्राई करो। अब मैं आपको वीडियो में बता भी नहीं सकता हूँ कि आप कैसे फील करोगे, लेकिन मैंने ये यूज़ किया है। मैंने फ़िलहाल मेरे Y1 का लाइट है MI का, ठीक है, और मैं ये शूटिंग iPhone 7 में कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ये Y1 लाइट में टेस्ट किया था। तो दोस्तों इसका आवाज़ बहुत, मतलब बहुत गजब है, मतलब ऐसा है एक्स्ट्रा बास, मतलब फुल एक्स्ट्रा बास है, दम दम होगा। और अगर कंपनी ने वैसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन का, लेकिन दोस्तों अगर आप ये हेडफोन को अगर कान पे रखोगे, ठीक है, और म्यूज़िक सुनोगे तकरीबन मैक्सिमम वॉल्यूम, तो नहीं मैक्सिमम वॉल्यूम में तो मैं सुन भी नहीं पा रहा था, बहुत हाई बास है इसका। तो लो वॉल्यूम में तकरीबन मीडियम रेंज में रखोगे तो आपको आपके बाजू में जो भी बैठा होगा वो उसका जो वो कुछ भी बोल रहा है तो वो कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब ये नॉइस कैंसलेशन अच्छा है ये हेडफोन का, चलता है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पूरा स्ट्रेच हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप हेड वैल्यू भी सेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, वो मैंने पहले भी बताया वीडियो में। तो ये कलर 3 कलर्स में आता है, ये ब्लू कलर मैंने मंगाया था और यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है। तो दोस्तों जरूर से ये इसको अगर आप मतलब कि ये ले रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो इसका ध्यान रखना, ये प्लास्टिक बिल्ड ही है और ये घिसा जा सकता है। क्योंकि मेरे जो पुराने थे MDR के, मैं आपको बता दूँ, ये XP450 है, ये XP250 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी पहले ऐसे ही शाइन कर रहा था, आप देख सकते हो कि स्क्रैचेस आ गए पूरे यहाँ पे। इसको मैं पूरी तरह से ऐसा केयर नहीं कर रहा था, तो आप देख सकते हो सोनी के दोनों बाजू में क्लियर आ गया। तो इसका वेयर एंड टेयर भी ख़राब हो चुका है, ये पूरा खुल चुका है, लेकिन अभी भी इसकी जो क्वालिटी है वो अभी भी ऐसे ही बरकरार है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये XP250 में भी नहीं है और मेरे आगे के हेडफोन थे उसमें भी नहीं है। तो ये मैंने अभी नया परचेस किया, यूट्यूब के लिए मैंने किया। और अगर आप यूट्यूब के वीडियोस भी बनाते हो तो जरूर से ट्राई करो, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं इसके। तो वो बोल रहे हैं कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट नहीं है, चलता है नहीं चल रहा, लेकिन मैं तो दोस्तों बोलता हूँ कि परफेक्ट हेडफोन्स है। अगर आपका मिड रेंज बजट हो 1299 से कि मतलब 1800 तक का जो बजट हो तो ये ले लो। और अगर आपको वायरलेस में जाना हो तो मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, वायरलेस में अगर आपको जाना हो तो बोट के रॉकर्स 400 है, वो तकरीबन सेल में 999 में आ जाते हैं और फिलहाल उसकी प्राइस 1299 है। तो वो जरूर से आप चेकआउट करना, फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बस ये हो गया इसके अनबॉक्सिंग और वीडियो और रिव्यू भी हो गया। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना, नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा दो, उसके बाद जो बेल आइकन है वो दबा दो, लाइक जरूर से करना वीडियो को। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं 1K सब्सक्राइबर क्रॉस करता हूँ जरूर से कोई भी कुछ भी गिव अवे करने वाला हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों जरूर से 1K मुझे पहुंचा दो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।